चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की कुछ और क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू जीरो से ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई. और सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे आज वो है आई इज इक्वल टू जीरो टू ए कोस अल्फा एक्स टेन अल्फा से रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई. तो इन दोनों क्वेश्चन का हम सॉल्व, एक स्टेटमेंट होगी कौन से क्वाड्रेंट में, यह हमें चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में. वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, फिर भी अगर हमें देखिए ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से ट्रेस होगी हमारे पास कुछ इस तरह से. लेकिन हमें ये आइडिया नहीं है कि ये जो एक्स माइनस वाई इक्वल टू नेगेटिव टू ए है, ये स्ट्रेट लाइन जब हम ट्रेस करेंगे तो ये कुछ कैसे होगी. मतलब हमारे पास सर्किल ये गिवन है, क्या सर्किल को विदाउट टच किए ये स्ट्रेट लाइन ट्रेस होगी, या इसको किसी पॉइंट पर टच करेगी ये स्ट्रेट लाइन, या इसे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी ये स्ट्रेट लाइन. तो अभी हमें इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है, हमें तो ये मालूम है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कुछ इस तरह से ट्रेस होगी, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन इस सर्किल पर किस तरह से ड्रॉ होगी. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ रफली टेबल बनानी होगी ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो किस तरह से इस सर्किल से पास आउट होगी. क्या होता है इसको टच होकर पास आउट हो सकता है इसको इंटरसेक्ट करे, हो सकता है इसको टच भी नहीं हो. तो तीन कैटेगरीज है, तीन हमारे पास केसेस है, तो देखते हैं कौन सा केस हमारा यहाँ अप्लाई होगा. तो क्या करें, हम इसकी छोटी सी सिंपली रफली एक टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरह से. देखिए एक्स और वाई के जो आप करते आ रहे हो छोटी क्लासेस में, वैसे ही जब एक्स की जगह जीरो पुट करो तो वाई कितना आएगा, टू ए. एक्स की जगह जीरो पुट किया नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, वाई कितना आ गया, टू. जब एक्स की जगह मैं ए पुट करूं, अब यहां वन टू थ्री मत पुट करना क्योंकि हमें ये मालूम है, हमने कंप्रेसिव में ये बात सीखी हुई है कि अगर कांस्टेंट ए की फॉर्म में तब हम वैल्यू जो पुट करते हैं ए टू ए थ्री ए माइनस टू ए माइनस थ्री पुट करते हैं, अगर इक्वल में कांस्टेंट बी की फॉर्म में होता तब हम पुट करते हैं बी टू बी थ्री बी माइनस टू बी माइनस बी माइनस थ्री बी. अगर इक्वल में ओनली टू होता या माइनस टू होता, कोई कांस्टेंट नंबर होता, तब हम पॉइंट्स के लिए वैल्यूज पुट करते हैं वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री. क्लियर है? तो जिस फॉर्म में कॉन्स्टेंट लाई करेगा उसी फॉर्म में हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे. तो जीरो पुट किया तो टू ए, जब ए पुट करेंगे एक्स की जगह तो देखिए क्या आएगा, पुट एक्स इक्वल टू ए, क्या होगा इक्वल में जाकर के ए क्या होगा माइनस है, माइनस थ्री और माइनस टू है माइनस का थ्री है, लेकिन वाई कितना आएगा प्लस का थ्री. सिमिलरली जब टू ए पुट करेंगे तो क्या होगा फोर ए. अब नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जब माइनस का ए पुट करेंगे कहां एक्स को माइनस ए, तो इक्वल में आगे प्लस ए हो जाएगा, माइनस टू ए प्लस ए माइनस का ए तो वाई इक्वल टू ए. सिमिलरली जब माइनस का टू ए पुट करेंगे तो इक्वल में आगे प्लस का टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो. क्लियर है? तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि हमारा कर्व जो है वो किस तरह से बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन कैसे ट्रेस होने वाली है. तो हमें बस ये आइडिया ही चाहिए था और भी कुछ नहीं. देखिए माइनस ए कॉमा जीरो ये पॉइंट है मालूम है, एक्स माइनस ए पर जीरो. अब देखिए एक्स माइनस टू ए यहां ले लेता हूं मैं, एक्स प्लस टू ए यहां ले लेता हूं, ये जीरो कॉमा ए है, ये जीरो कॉमा टू ए ले लेते हैं, ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन में कैसे हमें कर्व को ट्रेस करना है. देखिए जरा एक्स इक्वल टू माइनस टू ए पर क्या है, वाई जीरो, एक्स माइनस टू ए पे वाई जीरो. तो इसका मतलब ये पॉइंट वो है यहां माइनस टू ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट वो. फिर ए पर कितनी वैल्यू है, ए पर एक्स इक्वल टू ए पर वाई थ्री ए, एक्स इक्वल टू ए पर वाई थ्री ए. चलो पहले हम माइनस ए पे देख लेते हैं, माइनस ए पर कितना ए, तो माइनस ए पर ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए पर प्लस ए वाई. तो देखिए एक्स इक्वल टू माइनस ए और वाई इक्वल टू ए कहां टच हो रहे दोनों, ये यहां भी देंगे, तो ये पॉइंट होगा माइनस ए कॉमा ए, ये पॉइंट आया हमारे पास. फिर एक्स इक्वल टू जीरो पर टू ए, एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई टू ए, यानी कि ये पॉइंट हो गया एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई टू ए. तो हमें देखिए आइडिया मिल गया कि जो स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह से बनने वाली है, कुछ ये होगी, ठीक है. हमें एक आइडिया चाहिए था, तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी जो इस सर्किल को कभी भी टच नहीं करेगी, और जैसे जैसे 2a बढ़ेगा तो वैल्यू कितनी होगी 3a, और ऊपर हो जाएगी 4a पुट करेंगे तो वैल्यू और आ जाएगी. 2a पर कितनी वैल्यू आ रही है 4a, x = 2a पर 4a.
जब ये 3a पुट करेंगे और आगे जाएंगे तो वैल्यूज और ज्यादा हो जाएंगी, तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है वो कुछ इस तरह से आएगी जो सर्किल को किसी भी जगह पे टच नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन के लिए जो कर्व हमने बनाया इस इक्वेशन के लिए वो। अब बात करते हैं x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो मालूम है क्या होगा, y एक्सिस होगी, तो यहाँ x इक्वल्स टू जीरो है, इसको शो करें नहीं करें, x इक्वल्स टू जीरो ही है। इसके बाद x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a का मतलब, x इक्वल्स टू a का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, किस डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू a तो a, तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन पास आउट होगी वो इसी लाइन से पास आउट होगी, तब उस स्ट्रेट लाइन को x इक्वल्स टू a के लिए यहां से पास आउट करवाए थे, तो कुछ x इक्वल्स टू a ये हमारे पास कर्व बनता है। तो ये हमारा टोटल कर्व जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जो लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें एरिया चेक करना है, एरिया कौन सा एरिया इस कर्व को ट्रेस करने के बाद इस क्वेश्चन को यूज किया है लिमिट्स के लिए। तो देखिए अगर मैं यहां की बात करूं तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव फील्ड हो गया है, क्योंकि जो लिमिट्स हमारी पॉजिटिव क्वाड्रेंट की है, पॉजिटिव है, नेगेटिव लिमिट तो कोई भी नहीं है। अगर मैंने इसमें स्ट्रिप कट कर दी तो पहली बात वाई की लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से, जबकि ये जीरो से स्टार्ट भी नहीं है, और वैसे भी एक्स कहां से स्टार्ट होगा, माइनस से, जबकि एक्स कहां से स्टार्ट है, जीरो से। इसका मतलब एक्स जीरो से स्टार्ट का मतलब क्या होगा, इस तरफ इधर का एरिया। देखिए इसने स्ट्रिप किस तरह से कट की है, इसने स्ट्रिप कुछ इस तरह से कट की होगी, चेक कर लीजिए, करिए चेक। y कहां से स्टार्ट है, सर्किल से, क्या है y की लिमिट, सर्किल से स्टार्ट, कहां तक है, इस स्ट्रेट लाइन तक, जिसकी इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू टू है। तो क्या y की लिमिट्स यहां से यही आएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ए आएगा, आ रही है। x कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, ये एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, यहां पे x कितना है, जीरो, तो x जीरो, कहां तक, ये एरिया यहां तक है x के लिए, यहां पे x कितना है, a, तो a। इसका मतलब इस एरिया को यूज करने के बाद हमें लिमिट्स दिए, क्लियर होगा एरिया, ध्यान देंगे गिवन कर्व। तो ये तो हो गया हमारा गिवन कर्व, जिसके लिए हमें फाइंड कर लिया एरिया कि इस एरिया को यूज करने के बाद हमें लिमिट्स दी, क्लियर है। अब हम करते हैं आफ्टर चेंज द ऑर्डर, किसका ऑर्डर चेंज करना है, इसी स्ट्रिप का ऑर्डर चेंज करना है और हमें नई लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो आफ्टर चेंज द ऑर्डर, तो यहां एडिंग डाल देंगे हम, आफ्टर चेंज द ऑर्डर, तो ऑर्डर जो चेंज करेंगे किसका, इस स्ट्रिप का, तो कितनी स्ट्रिप आएगी, एक्स एक्सिस के पहले, वाई एक्सिस के पहला स्ट्रिप है, एक्स एक्सिस पहले हमें स्ट्रिप करनी है, तो कितनी स्ट्रिप हम कट करेंगे, देखिए जरा इसी एरिया को यूज करते हैं, फिर से कर्व ट्रेस होगा, सेकेंड टाइम कर्व ट्रेस करेंगे आप लोग, और वहां एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको स्ट्रिप शो करनी है। देखिए कितनी स्ट्रिप कट होगी, मैं थोड़ा सा बाउंड्री रीजन बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितनी स्ट्रिप हमारी कट होने वाली है। तो कितना एरिया नजर आ रहा है आपको, कितनी स्ट्रिप कट हो सकती है, देखो क्या एक स्ट्रिप यहां कट हो सकती है, क्योंकि ये भी एरिया ही है हमारा कंप्लीट, क्या और एक स्ट्रिप यहां भी कट हो सकती है, इसके बीच में भी कुछ इस तरह से, और एक स्ट्रिप यहां भी कट हो सकती है कुछ इस तरह से, हो सकती है ये तीन स्ट्रिप्स हमारी एक साथ कट, एरिया वही है, ये जो डॉटेड लाइन से, ब्लू लाइन से, मैंने डॉटेड लाइन से शो किया एरिया, इसका मतलब ये कि इसके बाद एरिया चेंज हो रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया चेंज हो गया, पहले क्या था, सर्किल था, इस पॉइंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गई, वाई एक्सिस आ गई, और फिर एक बार और चेंज हो गया, इस पॉइंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड में वाई एक्सिस आ गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, राइट हैंड साइड भी तो तीनों सेम है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो गई। तो जितनी बार एरिया जिस पॉइंट के बाद चेंज होता रहेगा उस पॉइंट के लिए हम अलग से स्ट्रिप कट करते ही रहेंगे, क्लियर है ना स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगी इसकी सभी लिमिट्स। अब ये स्ट्रिप्स आ गए, अब हमें क्या करना है, जितना भी एरिया है उन सभी एरिया के लिए, यानी तीन एरिया हमारे पास बन गए, इन तीनों एरिया को हम ऐड कर देंगे इंडिविजुअली, इन तीनों की हम लिमिट्स फाइंड करते हैं। तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए इसको एरिया भी दे देता हूं मैं, तो देखिए एरिया ऑफ ए
बी सी डी ई एंड एफ, ये वैल्यू दे रही है। अब इसमें सब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी फाइंड कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने मालूम है, 0.1, क्योंकि ए रेडियस का सर्कल है, 0.1 ही होंगे, ठीक है। अननेसेसरी जो पॉइंट उसको मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये तो हो गए 0.1, ये पॉइंट क्या है, 1.0, क्योंकि ए रेडियस सर्किल है। तो सी क्या हो जाएगा, वाई ए एक्स ए, तो ए कॉमा ए, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0.2 ए हमने फाइंड किए थे, नहीं भी पता चले तो देख लो, ये स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। दोनों की इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो वाई का एक्स का अगर जीरो होता है, जीरो पुट करता तो वाई कितना आगे 2a। अब यहां से तो वाई की डिस्टेंस 2a, इसका मतलब यहां डी पर भी वाई की डिस्टेंस 2a होगी, और एक्स की डिस्टेंस कितनी है a, क्योंकि ये a x = a की स्ट्रेट लाइन है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 2a, हो गए डी के कोऑर्डिनेट्स। अब इस f पर आ जाए, f के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, f के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इन दोनों की इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितनी है, x = a, इसकी इक्वेशन पुट कर देते हैं a, जब यहां a पुट किया x की जगह a, तो क्या आया, इक्वल जाकर के माइनस का 3a हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ गए a, 3। तो ये सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। यहां लिख देना अब आफ्टर चेंज द ऑर्डर। अब देखिए एरिया फर्स्ट, केस वन हमने ले, केस वन एरिया ऑफ ए बी सी ई, इस एरिया में x की लिमिट और y की लिमिट हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले x की लिमिट हम शो करते हैं, चेक करते हैं, x कहां से स्टार्ट है, सर्कल से, सर्कल की इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो x की लिमिट क्या आ गई, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की लिमिट जिसकी स्टेप हम कट करते हैं उसके दोनों साइड्स की जो इक्वेशन है उसको एज ए लिमिट काउंट करते हैं, और जिसकी स्टेप हम कट नहीं करते उसके दोनों साइड्स के जो पॉइंट्स हैं वो एज ए लिमिट सम काउंट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप कट किया हमने x की, तो इस x एक्सिस की स्टेप के लेफ्ट हैंड साइड में जो कर्व है उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, राइट हैंड साइड का जो कर्व है उसकी इक्वेशन उसकी अपर लिमिट हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कर्व हुआ सर्किल, सर्किल से x की वैल्यू फाइंड कर ली, या भी लोअर लिमिट कहां तक, राइट हैंड साइड में क्या है, x इक्वल टू a स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन x इक्वल टू a तो है, और y की लिमिट, y कहां से कहां तक काउंट होगा, यहां से लेके यहां तक, इतनी तो डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं a b c, तो यहां y कितना है 0 और यहां y कितना है a, तो लिमिट ऑफ y, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a, क्लियर। केस सेकंड, सेकंड केस कौन सा है, एरिया ऑफ a c d e a, इस एरिया में देखिए x कहां से स्टार्ट है, y एक्सिस से, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है 0, कहां तक, इसी स्ट्रेट लाइन तक जिसकी इक्वेशन दे रही है हमारे पास, और y कहां से कहां तक काउंट होगा, c से लेके d तक, तो c पे y कितना a और d पे कितना 2a, तो a से 2a। केस थर्ड, केस पर क्या, एरिया ऑफ कौन सा एरिया, लास्ट एरिया डी ई एफ डी, डी ई एफ डी, तो इस एरिया में देखिए लिमिट जरा, एक्स कहां से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, तो यहां से एक्स कितना आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस टू ए प्लस वाई, या फिर वाई माइनस टू ए, एक्स इक्वल टू वाई माइनस टू ए से कहां तक, इसी स्ट्रेट लाइन तक, इसकी इक्वेशन है ये x इक्वल टू a तक, और y कहां से कहां तक काउंट होगा, d से f तक, d पे कितना 2a और f पर 3a, तो y इज इक्वल टू 2a से y इज इक्वल टू 3a। अब क्या करना है, इसी में लिमिट्स पुट करनी है, लेकिन dx dy की जगह dy dx पुट करना है, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गए, तो हम लिख देंगे क्या, तीन बार हम लिख देंगे, i इज इक्वल टू, इसके इक्वल हम लिखेंगे फर्स्ट एरिया ऑफ ए बी सी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, क्योंकि ऑर्डर चेंज कर दिया तो डी एक्स डी वाई की जगह डी वाई डी एक्स आएगा। फिर सेकंड एरिया ऑफ ए सी डी
ई ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स और लास्ट अगेन एरिया ऑफ डी ई एफ डी फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब इन सभी की लिमिट्स को आपको जस्ट पुट करना है जो हमने फाइंड की है और उसको वहीं छोड़ देना है क्योंकि यही हमारा आंसर आ जाएगा कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और फंक्शन ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? तीनों की लिमिट्स पुट करो वन बाय वन, पहले y की लिमिट्स तीनों की अपनी अपनी एरिया की और फिर x की लिमिट तीनों की अपनी अपनी एरिया की और उसको वहीं छोड़ देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड। देखिए जरा क्या कह रहा हमें सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन की जो लिमिट्स है वो है हमारे पास x इक्वल्स टू जीरो से x इज इक्वल्स टू a cos alpha, क्योंकि x की लिमिट है, क्योंकि सेकंड में तो क्या आ रहा है x आ रहा है तो x तो हो नहीं सकती, वो तो y की लिमिट हो जाएगी, इसलिए x की लिमिट जो हमें गिवन है सेकंड क्वेश्चन में वो गिवन है x इक्वल्स टू जीरो से x इक्वल्स टू a cos alpha, a cos alpha तो लिख देते हैं गिवन x इक्वल्स टू जीरो टू x इज इक्वल्स टू a cos alpha। सेकंड लिमिट y इज इक्वल्स टू x tan alpha से कहां तक, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या मैं क्या कर सकता हूं इसको हमेशा की तरह सर्किल में ट्रेस कर सकता हूं, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो स्क्वायर जब करेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी। अब देखिए चार कर्व है, इनको हमें ट्रेस करना है एक ही x और y एक्सिस पर, तो करते हैं सबसे पहले x और y एक्सिस हम ले लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस, फिर से सर्किल आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का, हम उसको ट्रेस कर लेते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है सर्किल है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए सर्किल। क्लियर? इस कर्व के लिए मैं बात करूं तो ये कर्व कैसे ट्रेस होगा, वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, कैसे ट्रेस हो पाएगा वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, क्या हम यहां पे पॉइंट्स कंसीडर करें एक्स और वाई के। देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टेन अल्फा नहीं है तो क्या है, इक्वेशन आ रही है वाई इज इक्वल टू x, तो y को x हम कैसे ट्रेस करते हैं ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये करते कुछ एक्चुअली इक्वेशन होती क्या है, y को टू एक्स नहीं होती है, इस कर्व की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन फोर्टी फाइव, ये 45 डिग्री एंगल होता है हमारे पास और टेन फोर्टी फाइव हमें मालूम है क्या हो जाता है वन, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये जो एंगल है वो अल्फा की बन तो हम अल्फा ले लेते हैं, लेकिन चीज तो यही रहेगी कर्व तो यही बने वाई इक्वल टू एक्स टेन फोर्टी फाइव तो ये एंगल 45 होता है तब हम वाई इक्वल टू एक्स लेते हैं, लेकिन हमें अल्फा दे दिया इनडायरेक्टली, लेकिन लाइन जो बन रही है वाई इक्वल टू एक्स के ही तरह ये भी वैसे ही ट्रेस होगी क्योंकि कर्व वही है, तो ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। ठीक है, x इक्वल टू जीरो दैट इज y एक्सिस या है। अब क्या है x इक्वल टू a cos alpha, अब हमें ये मालूम है, देखिए x इक्वल टू a cos alpha तो cos alpha alpha का मतलब कोई ना कोई एंगल है, अब जब हम एंगल पुट करेंगे तो cos की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और a भी क्या है कॉन्स्टेंट है, यानी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कॉन्स्टेंट ही है, अब इसका मतलब यह होगा कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिजल्ट हमारे पास आएगा, कैसे a भी कॉन्स्टेंट cos alpha alpha का हमें पता चल जाता हम वैल्यू पुट करते हैं तो भी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू तो आएगी, तो कुल मिला के एक्स के इक्वल में रिजल्ट जो आ रहा हमारा वो आ रहा है कॉन्स्टेंट। अब जो कॉन्स्टेंट रिजल्ट है उसके लिए हमें मालूम है क्या, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी किसके पैरेलल होगी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स के इक्वल में कोई भी कॉन्स्टेंट कभी भी आ जाए तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अब ये है ये स्ट्रेट लाइन पास कहां से होगी, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास है a कॉमा जीरो, अगर x इक्वल टू a होता ओनली तो वो यहां से पास आउट हम करवा देते हमारा कर्व बन जाता, जबकि अब है x इक्वल टू a cos अल्फा। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करना होगा, अगर यहां x की वैल्यू कुछ आ जाए तो हमें आइडिया रहेगा कि इस कर्व को यानी जो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है वो कहां से पास आउट होगी, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जो कि हमेशा करते आ रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जिन दो कर्व से मिलकर बना है उन दोनों कर्व की इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए
इस कर्व की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा और इस कर्व की इक्वेशन है ये, तो इसमें इस एक्स को या इस वाई को यहां से रिप्लेस कर दें, दोनों की इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, देखो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और वाई कितना है एक्स स्क्वेयर टेन स्क्वेयर अल्फा हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, क्लियर है, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वन प्लस टेन स्क्वेयर क्या हो गया सेक्स स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, एक्स सेक अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर रूट ले लिया, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन सेक अल्फा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फा। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ए कोस अल्फा है एक्स के लिए और वाई के लिए क्या होगा पुट कर देते हैं, एक्स जगह जब ए कोस अल्फा यहां पुट करोगे वाई इज इक्वल टू ए कोस अल्फा, एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहां पे और टेन कितना है साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ये कैंसिल हो गए तो वाई की कोऑर्डिनेट क्या आ गए ए साइन अल्फा, तो ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए कोस अल्फा ए साइन अल्फा, तो हमें पिक्चर सारी क्लियर हो गई क्या, एक्स इक्वल टू ए कोस अल्फा से ही तो पॉइंट पास आउट करना हमें, तो ये पॉइंट वो आ गया जहां से एक्स इक्वल टू ए की जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारी पास आउट होने वाली, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए कोस अल्फा की स्ट्रेट लाइन कुछ इसी पॉइंट से पास आउट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की, कौन सा एरिया हमें गिवन है जिसमें इसने स्ट्रिप कट किए, देखो जरा कहां से स्टार्ट है लिमिट वाई की एक्स टेन अल्फा से कहां तक सर्किल तक, यानी एक्स टेन अल्फा की जो स्ट्रेट लाइन वो नीचे सर्किल ऊपर है तो तभी सेटिस्फाई होगा जो कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रिप कट होनी है, अगर मैं इस तरह से स्ट्रिप कट करूंगा तभी इसकी लिमिट सेटिस्फाई होंगी नहीं तो नहीं होंगी, चेक कर लीजिए आप। तो हमें भी क्या करना है इसी एरिया का यूज करते हुए हमारी खुद की लिमिट समय यहां शो करनी, ठीक है, तो करते हैं जरा आफ्टर चेंज द ऑर्डर, ऑर्डर चेंज कर देता हूं स्ट्रिप का, और जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो हम लिख देंगे आफ्टर चेंज द ऑर्डर आफ्टर चेंज द ऑर्डर, देखिए स्ट्रिप का जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे y से x में कितनी स्ट्रिप्स हमारी कट होंगी इसी एरिया में, कितनी टू थ्री कितनी होंगी टू, कैसे देखते हैं अभी ये हमारी बाउंड्री लाइन आ गई जिसके बाद का एरिया चेंज हो रहा है मैंने शो कर दिया, ये हमारी बाउंड्री लाइन है जिसके बाद से एरिया हमारा चेंज हो रहा है, अब इससे नीचे एक स्ट्रिप हमारी शो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y एक्सिस और राइट हैंड साइड में क्या है ये वाई को स्ट्रेच कर अल्फा, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर जाते ही लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सेम रहेगी लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे पास का रुख चेंज हो जाएगा y को एक्स टेन अल्फा की जगह सर्किल हमारे पास आ जाएगा, तो जब सर्किल हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देते हैं ओ ए बी एंड सी, इसको एरिया में हमने डिवाइड कर लिया ओ ए बी सी के एरिया में, ठीक है क्लियर है स्टूडेंट्स, अब दो एरिया में हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब दोनों एरिया के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हमें लिखने हैं, देखिए O के तो है जीरो जीरो, A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पहले से ही है, अगर A के कोऑर्डिनेट्स है तो B के भी हमें मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे X की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी रहेगी नहीं, Y की डिस्टेंस सेम रहेगी X जीरो रहेगा, Y की डिस्टेंस कितनी है A साइन अल्फा, तो जो B के कोऑर्डिनेट है वो मैं यहां लिखा हूं वो आएंगे जीरो A साइन अल्फा, क्योंकि Y एक्सिस पर X तो जीरो होता है और Y की डिस्टेंस इतनी यहां पे उतनी यहां पे वो कितनी है A साइन अल्फा, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता सकते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या जीरो कॉमा ए, क्योंकि ए रेडियस का सर्किल है इसलिए, क्लियर है, तो केस वन कौन सा एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, इस एरिया में एक्स कहां से स्टार्ट है वाई एक्सिस से एक्स इक्वल टू जीरो से कहां तक इस स्ट्रेट लाइन तक, इसकी इक्वेशन है क्या ये इक्वेशन, तो यहां से एक्स कितना आएगा एक्स इक्वल टू
y अपॉन टेन अल्फा या फिर y कॉट अल्फा। x की वैल्यू फाइंड कर दिए ना, यहां तक है ये इक्वेशन है ये, तो यहां x क्या है, x की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू y अपॉन टेन अल्फा, और वन अपॉन टेन क्या होता है कोट होता है, इसलिए कोट अल्फा। ठीक है, और y कहां से कहां तक वे कैरी करेगा, यहां से लेकर के यहां तक या यहां से लेकर के यहां तक, एक ही बात। तो यहां y कितना है, x एक्सिस में जीरो होता है, और यहां y कितना है, a sin alpha। तो y is equals to 0 to y is equals to a sin alpha। ये तो अगर केस वन, केस टू, सेकेंड केस, सेकेंड केस हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी ए, इस एरिया में x कहां से स्टार्ट है, x स्टार्ट है y एक्सिस से, यानी x इक्वल टू जीरो से कहां तक, सर्किल तक, सर्किल की इक्वेशन ये है, तो यहां पे x आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई बी से सी तक, बी पर y कितना है a साइन अल्फा, तो a साइन अल्फा से कहां तक, y इज इक्वल टू a तक। तो ये आ गई हमारी दोनों एरिया की लिमिट्स, पुट करनी है वैसे कैसे लिखेंगे हम, फिर से बाय द गिवन इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन एरिया ऑफ ओ ए बी ओ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस डबल इंटीग्रेशन एरिया ऑफ ए बी सी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब इन दोनों की अपनी अपनी लिमिट्स जो है वो यहां पुट कर देंगे, लेकिन पहले वाई की लिमिट और फिर एक्स की लिमिट, इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि फंक्शन हमें गिवन। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर सॉल्व करवाऊंगा उसे, कोशिश करेगी मेरी इसको सॉल्व करने की। तो ये था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन या चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो भी यही रहेगा, लेकिन उसमें चेंज होगा क्या, हमें चेंज करना होगा, चेंज द ऑर्डर तो है ही, लेकिन कार्टेशियन को पोलर में, चेंज द ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म, हमें ऑर्डर भी चेंज करना है, हमें फॉर्म भी चेंज करनी है कार्टेशियन की जगह पोलर। तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह से बने रहिए इस वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।